नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में किशनगंज सीट की। किशनगंज से कौन बनेगा 2019 में सांसद। जैसा कि हम जानते हैं किशनगंज में दूसरे चरण में मतदान होने वाला है। किशनगंज जो कि मिनी दार्जिलिंग के नाम से मशहूर है। किशनगंज बिहार के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ सभी बड़े सरकारी विभागों के दफ्तर है। इस क्षेत्र को कृष्णा कुंज के नाम से भी जाना जाता था। यह क्षेत्र बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है। यहाँ का खगड़ा मेला पूरे देश में मशहूर है। यहाँ के नेहरू शांति पार्क, चुरली किला लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से पानी घाट, गंगटोक, कलिंगपोंग, दार्जिलिंग जैसे पर्यटन स्थल भी कुछ ही दूरी पर स्थित है। किशनगंज बिहार में राजधानी पटना से 375 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का अनुमंडल था। 1990 में ये जिला बना। यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल का बागडोगरा है, जो यहाँ से 90 किमी की दूरी पर स्थित है। बंगाल और सिक्किम के लिए भी यहाँ से बसें उपलब्ध है। यह लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल है। किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी का निधन 7 दिसंबर 2018 को हो गया। 2019 आम चुनाव नज़दीक होने के कारण यहाँ उपचुनाव नहीं कराए गए। 2019 के लिए बदल गए समीकरण। अब जैसे हम जानेंगे कि दिसंबर 2018 में किशनगंज के सांसद मौलाना असरार उल हक कासमी का निधन होने के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया। वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा के लहर के बीच भी मौलाना असरारुल हक ने किशनगंज लोकसभा सीट को रिकॉर्ड मतों से जीता था। सभी धर्म और समुदाय के लोगों में उनकी अच्छी पकड़ थी। जमीयत उलेमा ए हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कासमी पहली बार 2009 में मुस्लिम बहुल किशनगंज सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने यहाँ अपनी जीत बरकरार रखी थी। अगर हम बात करें यहाँ की राजनीति की तो 1957 और 1962 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के मोहम्मद ताहिर जीते। 1967 के चुनाव में इस सीट से विजयी रहे पीएसपी के एलएल कपूर, उन्होंने मोहम्मद ताहिर को शिकस्त दी। 1971 में इस सीट से कांग्रेस के जमीरुल रहमान जीते। 1977 में बीएलडी के हलीमुद्दीन अहमद को किशनगंज की जनता ने चुनकर दिल्ली भेजा। इसके बाद 1980 और 1984 के चुनावों में यहाँ की जनता का जनादेश कांग्रेस के उम्मीदवार जमीरुल रहमान के पक्ष में आया। 1985 में यहाँ उपचुनाव हुए जिसमें जीएनपी के सैयद शहाबुद्दीन जीते। 1989 में किशनगंज से कांग्रेस ने पत्रकार एमजे अकबर को उतारा और वे जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1991 में इस सीट से फिर सैयद शहाबुद्दीन जीत गए। 1996 में किशनगंज से जनता दल के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जीते। 1998 में तस्लीमुद्दीन यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर। 1999 का चुनाव किशनगंज सीट पर काफ़ी रोचक रहा। बीजेपी के युवा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने यहां के दिग्गज तस्लीमुद्दीन को हराकर लोकसभा की सदस्यता हासिल की, लेकिन 2004 में वे तस्लीमुद्दीन ने शहनवाज हुसैन को हराकर फिर अपना परचम लहराया। इसके बाद दो चुनाव 2009 और 2014 में इस सीट से जमीयत उलेमा ए हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना असरार उल हक कासमी कांग्रेस के टिकट पर जीतकर दिल्ली पहुंचे। अब बात करें अगर लोकसभा में, तो इस लोकसभा में वोटरों की संख्या 11,86,369 है।
इनमें से महिला वोटर की बात करें तो 5,61,940 है, जबकि वहीं पुरुष वोटर 6,24,429 है। अब अगर बात हम करें विधानसभा सीटों की, तो किशनगंज लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती है, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धामन, अमौर और बैसी। 2015 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 कांग्रेस, 2 जेडीयू और 1 सीट आरजेडी ने जीती। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के 3 विधायक हैं। किशनगंज विधानसभा से डॉक्टर जावेद आजाद, बहादुरगंज विधानसभा से तौसीफ आलम और अमौर विधानसभा से अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं अगर बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो 2014 में किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार असरारुल हक कासमी को 4,93,461 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को हराया। जायसवाल को 2,98,849 वोट मिले। वहीं जेडीयू के अख्तारुल इमाम को 55,822 वोट मिले। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने अलीमुद्दीन अंसारी को उतारा था, उन्हें 15,010 वोट मिले थे। उसी तरह अगर बात करें तो इस बार यहाँ से कौन जीतेगा सांसद का चुनाव 2019 में, ये देखने वाली बात है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।